मेरी कचुली पर आयो और कर एक पत्थर टंटाना दियो लग गयो वो तो काम बात लग लग गयो बोलो कचुली पर नहीं है ना चलो साफ जगह लेके ले इधर लिख लो यार साफ में उधर साफ जगह चल लेना तो आगा वो गुरु देख रहे कला चल रहे इधर लिख लो मैदान में चल इधर कई बार सांप काटने के बाद भी जहर नहीं बोलते मगर इंसान दहशत में मर जाता नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ग्राम जोलकड़ा में और तकरीबन मुलताई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर आए हुए हैं और एक सांप का रेस्क्यू किया। आपने देखा होगा इसके पहले वीडियो में बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पर दोस्तों जानवरों के कोठे हैं और यहाँ पर जानवर बनते हैं, किसान लोग भी रात दिन खेत में काम करते हैं और आने जाने का इनका रास्ता है, जो कि तकरीबन कितने दिन से दिखाई दे रहा है, चार दिन से डेली इन्हें दिखाई दे रहा है। और एक किसान लोग थोड़े घबरा चुके थे और सांप को देख करके, डेली देख करके, तो हमें आज इनने सूचना दी और सांप को देखते ही हमें कॉल किया। और सांप जो था बिल के अंदर घुस चुका था, जा चुका था, इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। देख सकते हैं आप, हमने वहाँ पर बहुत सा गड्ढा खोदा, उसके बाद में पानी भरकर इसे किस प्रकार से सुरक्षित निकाला है, तो इस प्रकार से इसका रेस्क्यू हो चुका है। जहरीला सांप है दोस्तों, कोबरा सांप है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गेहूवन, खरीस, नाग, फिटार और साइंस से इसे नाजा नाजा के नाम से जानता है दोस्तों। तो ये जहरीला सांप है, ध्यान रखिए कि अगर ऐसा सांप अगर बाइट करे तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, ना कि किसी प्रकार से झाड़ फूँक ओझागुनी चक्कर पड़ना। आप देख सकते हो एक जहरीला सांप है जो कि किस प्रकार से फन फैलाए हुए बैठा है। दोस्तों सांप कभी किसी की छेड़खानी जबरदस्ती नहीं जाता, लेकिन जब सांप की कोई छेड़खानी जाए तो दोस्तों तभी सांप बाइट करता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तीन बार सुरक्षित टेस्टिंग कर लिया गया है और सांप केचुल छोड़ रहा था और यहाँ पर देख सकते हो आप सुरक्षित रेस्क्यू हो गया एक जहरीला सांप का। तो अगर हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।